आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड NH4Cl युक्त NH4OH में अवक्षेपित हो जाएगा। पहला हाइड्रोक्साइड है जिंक हाइड्रोक्साइड, दूसरा है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और सही उत्तर के चयन के लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें कि कौन सा धनायन अवक्षेपित होता है, किस अभिकर्मक द्वारा, NH4Cl युक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। तो जो अभिकर्मक, ये अभिकर्मक कौन सा अभिकर्मक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि NH4Cl युक्त है, ठीक है ना, यह अभिकर्मक, दिया गया अभिकर्मक किसके परीक्षण के काम में आता है, यह अभिकर्मक अज्ञात लवण के, अज्ञात लवण में उपस्थित समूह तृतीय समूह के धनायनों के परीक्षण में काम आता है, धनायनों के परीक्षण में काम आता है, ठीक है, धनायनों के परीक्षण में काम आता है। अर्थात इस अभिकर्मक द्वारा यदि NH4Cl युक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अभिकर्मक अपन प्रयुक्त कर रहे हैं किसके लिए, तृतीय समूह के धनायनों के परीक्षण के लिए, किसमें, किसी भी अज्ञात लवण में उपस्थित जब होते हैं तो, ठीक है। अब अगली बात यह है कि तृतीय समूह में कौन कौन से धनायन होते हैं, तो तृतीय समूह में जो धनायन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3, एफई प्लस 3 तथा क्रोमियम प्लस 3। और जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त करते हैं NH4Cl युक्त, ठीक है ना, तो यदि विलयन में, यदि लवण में, जिस लवण का अपन परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि NH4Cl युक्त है से क्रिया करवाई जाती है, तो यदि इनमें से कोई भी धनायन उपस्थित है तो ये इनके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। यदि एल्यूमिनियम उपस्थित होता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो सकता है, ठीक है। यदि Fe प्लस 3 उपस्थित है तो FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो सकता है, ठीक है। और यदि क्रोमियम उपस्थित है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH होल थ्राइस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अगर कोई भी नहीं उपस्थित है तो फिर ये अवक्षेपण हमें प्राप्त नहीं होगा। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि यदि ये अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाए तो इनमें से कौन कौन सा लवण जो है, कौन कौन सा हाइड्रोक्साइड जो है वो अवक्षेपित हो सकता है। तो देखिए, वो हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो सकता है जो तृतीय समूह का होगा, अर्थात जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन या फिर क्रोमियम में से कोई एक उपस्थित हो। तो यदि बात करें जिंक हाइड्रोक्साइड की तो ये नहीं होगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्रोमियम प्लस 3 में ये हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं है समूह तृतीय में तो ये नहीं हो पाएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 ये तृतीय समूह का धनायन है तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से धनायन जो है वो अवक्षेपित हो सकते हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड यानी कि द्वितीय विकल्प और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चतुर्थ विकल्प, तो सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, द्वितीय तथा चतुर्थ हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो सकता है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।